अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेस व्लॉग्स। माय नेम इज़ शिराज अहमद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेवो जीआरएस की रिव्यू वीडियो दी थी, उसके अंदर आपको बताया था कि क्या क्या उसमें चेंजिंग आई है और क्या क्या न्यूज़ में आया है। तो अभी जो आज वीडियो बना रहे हैं, मेरे हाथ में लेजेंडर की चाबी है, तो आपको लेके चलते हैं लेजेंडर के ऊपर। अब बताता हूँ क्या क्या उसमें न्यू आया और क्या क्या उसमें अपडेट्स हुई थी। सिग्मा के बाद ये आया था, तो आपको बताते हैं सिग्मा और इसमें क्या फ़र्क आया। तो ये है जी हमारा फॉर्चूनर लेजेंडर। ये इसका फ्रंट से व्यू आ जाता है, ग्रिल आ जाती है ब्लैक कलर में, और इसका बम्पर और सिग्मा का बम्पर बिल्कुल चेंज है, मतलब कि इसका डिफरेंट बना दिया उन्होंने, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा बनाया। इसके आप देखेंगे कवर्स, फॉग लैंप के कवर और बम्पर डिफ्यूज़र नीचे आपको सिल्वर कलर में नज़र आ जाएगा। ये वाला बम्पर डिफ्यूज़र। एम्बेलम इसका नॉर्मल ही है, लाइट्स आ जाती हैं, वाटरफॉल DRL हैं इसके साथ, सेम या GRS के और इसके। ओके, तो जैसे फ्रंट की बात हो रही होती है ना, तो मैं आपको ना इसका इंजन भी चेक करवा देता हूँ। बॉनेट मैंने वैसे ओपन किया था, तो इसको कंप्लीट ओपन करके ना मैं आपको इसके ना इंजन के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ इसका। तो ये इसका इंजन आ जाता है सर, देखने में मतलब कि परफेक्टली मैनेज होता है। इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें ड्राई बैटरी नहीं आती, वही नॉर्मल बैटरी यूज़ हो रही है पानी वाली। इसका जो स्टेयरिंग की बात करते हैं ना, हाइड्रोलिक स्टेयरिंग आता है फॉर्चूनर के अंदर। ये इसका कूलेंट बॉटल है इसके आगे, वो इसकी ब्रेक ऑयल आ गया, और बाकी ये मेन जो चीज़ है ना, ये है FTV 1 GD FTV इंजन है इसका, बैलेंस ऑफ के साथ होता है जो, और 2.8 में आता है 2800 cc, और 4 सिलेंडर इन लाइन इंजन है। फ्यूल इंजेक्शन जो इसमें है ना फॉर्चूनर में, 2 वेरियंट G और V, वो सिर्फ पेट्रोल में आते हैं, बाकी सारे इसमें डीजल आ रहे हैं। लेजेंडर, इवन GRS और सिग्मा, ये सारे इसमें ना डीजल इंजन में आ जाते हैं। तो ये था जी इसका इंजन, और इसके बाद आप साइड पे जैसे मूव करते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा इसका लेफ्ट साइड से व्यू। क्रोम हैंडल दिए गए हैं और साइड व्यू मिरर, बॉडी कलर और ब्लैक कलर में कम्बिनेशन में आ जाता है विद साइड इंडिकेटर के साथ। और रिम पे अगर मूव करते हैं, 18 इंच के रिम है सर, माशाल्लाह से बड़े प्यारे रिम इसके बनाए हैं। इसके कट्स के अंदर और कम्बिनेशन दे दिया सिल्वर का और ग्रे कलर का, माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं। और इसका देखेंगे आप ब्रेक कैलिबर, ये नॉर्मल ही है, मतलब ये सिंपल ही है, GRS का रेड कलर में है और इसका सिंपल ही है। अगर हम फ्रंट पे, फ्रंट डोर पे मूव करते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा दोनों साइड पे कीलेस एंट्री है। प्रेस करें, आपके पास चाबी हो, अभी लॉक हो गई है गाड़ी, अभी रीप्रेस करेंगे तो ये ऑटो मिरर्स हैं, अनलॉक हो जाती है जैसे ही ओपन होते हैं। इन साइड से ये व्यू आता है, ये डोर का व्यू देखें माशाल्लाह से। इसके अंदर मैरून कलर और ब्लैक कलर का कम्बिनेशन दिया गया, स्टिचिंग मैरून की दी गई है आर्म रेस्ट के ऊपर। ऑटो आ जाता है, विंडो कंट्रोल और इसके हैंडल, इंटीरियर भी क्रोम है और एक्सटीरियर में भी क्रोम है। जैसे आप सीट के ऊपर मूव करते हैं, प्रीमियम लेदर परफोरेटेड सीट है, और इसके अंदर कम्बिनेशन जो दिया गया है ना, मैरून का और ब्लैक का कम्बिनेशन है। इंटीरियर इसका ब्लैक ही बनाया है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लगता है, बोल्ड लगता है काफ़ी। और जैसे ये डैशबोर्ड देखिए ना, डैशबोर्ड तो ऊपर से सेम एज प्लास्टिक है, और इसके ऊपर ये कूल बॉक्स होता है जो इसका लेदर के साथ कवर है, और स्टिचिंग इसके ऊपर मैरून कलर की है। नीचे डैशबोर्ड ओपनर, इसके अंदर स्पेस है काफ़ी, आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका सेम ही है, नीचे डुअल AC कंट्रोल आ जाता है, दोनों साइड आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको अपनी मर्जी से, दोनों फ्रंट पैसेंजर्स। जैसे हम ये गियर एरिया पे आते हैं ना, तो आपको नज़र आ जाएगा इसका डिफरेंट है, ये वाला, ये फिनिशिंग जो ऊपर दी गई है ना, ये वुड टाइप फिनिशिंग है, तो इसका डिफरेंट है उसके साथ, अगर GRS के साथ देखा जाए तो। कंसोल बॉक्स आ जाता है, इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, और ऊपर लेदर है, मैरून कलर की स्टिचिंग, मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाती है, और ये आप देखेंगे कंट्रोल दिए गए हैं, स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको मोड, मोड दिए गए हैं तीन यहाँ पे। और अगर इसको क्लोज करते हैं, रियर पे मूव करते हैं जैसे हम, तो रियर पे आपको पता है काफ़ी स्पेस होती है, 7 सीटर गाड़ी होती है वैसे फॉर्चूनर जो भी है गाड़ी है ना, मतलब कि इसमें जितने वेरियंट है सारे 7 सीटर ही होते हैं। ये डोर के ऊपर आप रियर पे भी देख सकते हैं, मैरून और ब्लैक की कम्बिनेशन में बेहतरीन लगती है, बड़ी प्यारी लगती है इसके अंदर। तो ये चीज़ इसमें ना डिफरेंट थी। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, फ्रंट डोर ओपन करें ना, आपको ये लाइट्स नज़र आएंगी इसके अंदर, ये लाइट्स हैं, ये चारों डोर्स के अंदर लगी हुई है। अगर गाड़ी आप अंधेरे में हो ना तो फिर आपको सही नज़र आएगी, वैसे अभी तो नहीं नज़र आ रही। फ्यूल टैंक सेम ही है सर, 80 लीटर्स
रियर का ये व्यू है। रियर पे मूव करें ना तो आपको मैं ट्रंक ओपन करके दिखा देता हूँ इसका लेजेंडर में, और इसके जो टूल किट हैं ये साइड पे आ जाएंगे। जैक और ये सारा टूल किट आपका पड़ा हुआ है, ये कवर हो जाता है। पीछे सीट है, आप ट्रंक अगर यूज़ करना चाहते हैं सीट फोल्ड हो जाएगी, अगर नहीं यूज़ करना चाहते दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं। पीछे सेवन सीटर है, ईजी स्पेस है, काफ़ी खुली डुली स्पेस होती है। चार इसके साथ मैट आते हैं जो कंपनी देती है कारपेट मैट, और इसके अलावा जो प्लास्टिक मैट है वो आपको बाहर से ख़रीदने पड़ते हैं। पीछे भी आपको देखेंगे ना तो चार इसके सेंसर मिल जाएंगे, ये बम्पर के ऊपर, ये आपको रियर पे फोर सेंसर हैं रियर पे, जो इजी कर देते हैं गाड़ी को पार्क करना। तो ये थी इसकी रियर से व्यू, मैं इसको क्लोज करके भी बता देता हूँ। इसके ये पीछे वेंट्स आ जाती हैं, एसी वेंट्स रियर पे भी हैं, उसके आगे भी देखेंगे आपको नज़र आ जाएंगी, और फ्रंट पे भी इसके होते हैं। रियर पे आपको देखेंगे तो बम्पर के अंदर आपको कम्बिनेशन मिल जाएगा ब्लैक का और वाइट का, और ऊपर हाई माउंटेड लैंप आ जाता है एज इट इज़ लेजेंडर की बैजिंग 2.8 के साथ, और रियर जो लाइट्स हैं वो भी LED लाइट्स हैं। एम्बेलम इसका रियर बिल्कुल सिंपल, मतलब कि नॉर्मल जो टोयोटा का आता है वैसे। बाकी ये फॉर्च्यूनर की बैजिंग हुई है यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर, 4x4 की बैजिंग यहाँ पे हुई है। नीचे आपको बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर नज़र आ जाएंगे दोनों साइड पे। जैसे हम राइट साइड पे मूव करते हैं आपको ये राइट साइड का इसका व्यू आएगा, और फ्रंट डोर आपको बताया था जैसे कीलेस एंट्री है, बटन दिया गया इसके ऊपर, क्रोम हैंडल है, ये अभी लॉक होगी, चाबी आपके पास होनी चाहिए। देन ये अभी देखेंगे आप ऑटो मिरर अनलॉक हो गया, जैसे आप इंटीरियर खोलते हैं मतलब कि फ्रंट डोर खोलते हैं तो इंटीरियर आपको नज़र आ जाता है। फ्रंट डोर पे आपको पूरा कंट्रोल ये दिया गया चारों, मतलब कि डोर्स का जो मिरर आपको कंट्रोल है इसका, विंडोज़ का, क्रोम हैंडलिंग है इंटीरियर और एक्सटीरियर में। और इसकी दोनों फ्रंट सीट जो है ना वो आपको ना ऑटो में मिल जाती हैं, 8 ways के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं इनको। और जैसे ही आप ये मूव करते हैं फ्रंट पे तो आपको ये हैंडल नज़र आ जाएगा, लेदर और लेदर के साथ कवर है, मतलब ये भी पूरा आपको ये LED का मतलब कि कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाता है इसके ऊपर, मल्टीमीडिया कंट्रोल कंप्लीट है इसके ऊपर आपको मिल जाता है स्टेयरिंग के ऊपर ही। इसके बाद आपको ये नज़र आ जाएंगे पैडल शिफ्टर, LED फ्रंट लाइट्स कंट्रोल, वाइपर कंट्रोल आ जाता है। मीटर इसका सिंपल ही रखा है उन्होंने, सिर्फ GR का मीटर चेंज था इसके, सिंपल ही है। उसके रेड स्विंग है, आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। और एक और आप चीज़ देखेंगे आपके उस स्टार्ट के बटन भी इसका सा, मतलब कि ना बिल्कुल सिंपल सा ही रखा है उन्होंने नॉर्मल जो है, और ये पैडल आपको नज़र आ जाएंगी बिल्कुल सिंपल है। ये था जी फॉर्च्यूनर लेजेंडर हमारा, जो कि आपको मैंने पूरी कोशिश की है कि कम्प्लीट चेक करवा सकूँ और कम्प्लीट इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकूँ। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आती रहेंगी मेरी इंशाल्लाह, बाकी भी वेरिएंट जो है ना वो हम कवर करेंगे। ये आप ये जो मैंने अभी ऑन किया है तो इसका फ्रंट से लुक आता है, आपको नीचे नज़र आ जाएगा इंडिकेटर और DRL। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात तो नहीं, खैर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू जो भी गाड़ी का आएगा उसके ऊपर हम बना रहे हैं। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।